दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर आपका। दोस्तों आज है 11 मई और 11 मई की करंट अफेयर्स में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि करंट अफेयर्स अब हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब पूछी जाने लगी है। एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, यानी कि हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अब करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपनी राय रखें कमेंट बॉक्स में कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करें। उसका जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। तो स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत के नई दिल्ली शहर में किया जाएगा। 3 दिवसीय 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन MS 2018 का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली में किया जाएगा। यह आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय जनसंचार संस्थान के द्वारा 10 मई से 12 मई तक किया जाएगा। यानी कि यह आयोजन 10 मई से 12 मई तक किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। किस ई कॉमर्स कंपनी ने 4 से 5 वर्ष में देश में 50 नए स्टोर खोलने का ऐलान किया है? तो दोस्तों वॉलमार्ट ई कॉमर्स कंपनी ने 4 से 5 वर्ष में देश में 50 नए स्टोर खोलने का ऐलान किया है। हाल ही में फ्लिपकार्ट कंपनी को खरीदने के बाद वॉलमार्ट ने भारत में थोक कैश एंड कैरी कारोबार में तेजी लाने के लिए 50 नए स्टोर खोलने का ऐलान किया है। अभी वॉलमार्ट के पास 20 स्टोर हैं, चालू वित्त वर्ष 5 और स्टोर खोलने की उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किसने दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी को स्थान दिया है? तो दोस्तों फोर्स ने दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी को स्थान दिया है। हाल ही में फोर्स द्वारा जारी की गई दुनिया के ताकतवर लोगों की लिस्ट में भारत के अरबपति मुकेश अंबानी को स्थान मिला है। मुकेश अंबानी को 32वां स्थान मिला है और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की इस सूची में पहला स्थान मिला है। यानी कि चीन के जो राष्ट्रपति हैं उनको इस सूची में पहला स्थान मिला है और मुकेश अंबानी को 32वां स्थान मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किसने कहा है कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती? दोस्तों हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीश वाली संविधान पीठ ने फैसले लेते हुए कहा है कि संसदीय समितियों की रिपोर्ट को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ना ही उनकी वैधता पर अदालतों में सवाल उठाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किसने आदेश जारी किया है कि ट्रेन में चढ़ते उतरते समय हादसा हो तो रेलवे को मुआवजा देना होगा? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ट्रेन में चढ़ते उतरते समय हादसा हो तो रेलवे को मुआवजा देना होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि ट्रेन से उतरते या चढ़ते समय मौत या उसका घायल होता है तो रेलवे को यात्री को मुआवजा देना होगा। ये नए नियम के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है रेलवे को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किसने गन्ना किसानों की सहायता के लिए उपायों की घोषणा की है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों की सहायता के लिए उपायों की घोषणा की है। हाल ही में गन्ना किसानों की सहायता के लिए उपायों की घोषणा केंद्र सरकार ने की है। केंद्र सरकार ने चीनी मिलों की सहायता के लिए प्रति क्विंटल 5.50 रुपए की मदद देने की घोषणा भी की है, यानी कि 5.50 करोड़ रुपए की घोषणा देने की मदद की घोषणा भी की है, यानी कि 5.50 क्विंटल रुपए की मदद देने की घोषणा की है, करोड़ नहीं, यानी कि 5.50 क्विंटल मदद देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किसने न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक की मंजूरी दी है। हाल ही में दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में संशोधन कानून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी है। दिल्ली विधानसभा द्वारा पारित न्यूनतम वेतन में दिल्ली में तय की गई न्यूनतम वेतन नहीं देने वाली बिजनेसमैन पर कानून कार्रवाई की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। हाल ही में किस बैंक का मुनाफा चौथी तिमाही में 45% लुढ़का है? तो हाल ही में आईसीआई बैंक का मुनाफा चौथी तिमाही में 45% लुढ़का है। हाल ही में आईसीआई बैंक का मुनाफा 2017-18 की चौथी तिमाही में 45% लुढ़का है, अब 1,142 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2,038 करोड़ रुपए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस ई कॉमर्स कंपनी ने फ्लिपकार्ट को 16 अरब डॉलर में खरीद लिया है? तो दोस्तों वॉलमार्ट कंपनी ने फ्लिपकार्ट को 16 अरब डॉलर में खरीद लिया है। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ई कॉमर्स को सबसे बड़े समझौते के रूप में वॉलमार्ट ने खरीद लिया है, जिसमें वॉलमार्ट की 77% हिस्सेदारी है और वॉलमार्ट को सॉफ्ट बैंक द्वारा उसकी 20% हिस्सेदारी बेची जाएगी। ये भी क्वेश्चन आपका पूरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इनमें से किसने भारत की विकास दर का 7.8% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत की विकास दर का 7.8% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। हाल ही में भारतीय इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, आपको याद रखना है IMF का जो नाम है वो है इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ने कहा है कि भारत की विकास दर 2018 में सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी हो सकती है। 7.4% की रफ्तार से बढ़ते बढ़ते 7.8% तक पहुंच सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन्हें हाल ही में ट्विटर द्वारा राष्ट्रीय निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। तो दोस्तों तरणजीत सिंह को हाल ही में ट्विटर द्वारा राष्ट्रीय निदेशक पद पर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारतीय रेलवे ने इतनी रेलों में बिना गार्ड को की ट्रेन चलाने के लिए उन्नत उपकरण खरीदने की घोषणा की। तो 1,000 उपकरण खरीदने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन्हें हाल ही में भारत का रक्षा सचिव बनाया गया है। तो दोस्तों हाल ही में संजय मिश्रा को भारत का रक्षा सचिव बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने FBI के निदेशक को सही तरीके से काम न करने के आरोप में बर्खास्त किया। उनका जो नाम है, क्या नाम है उनका, वो है जेमसन कॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत के हरप्रीत सिंह ने 10 मई 2017 को एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में जो पदक जीता है, कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों भारत के हरप्रीत सिंह ने 10 मई 2017 को एशिया कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो
तो इस क्विज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाएगा? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाएगा, यानी कि आज तारीख है 11, और 11 मई को भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों ये था 11 मई 2018 का करंट अफेयर्स, यानी कि आज की डेट का करंट अफेयर्स, जो कि एसएससी, बैंक, रेलवे यानी हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। और जो मेरे नए दोस्त हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, दिए गए नीचे रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें, इससे मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।